तो गाइस क्या होगा अगर मैं आपको एक ऐसे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में कैद कर दूं जहां पे रियल लाइफ के 7 डेज के बाद पूरा वर्ल्ड नेचुरल डिजास्टर और एसिड रेन से खत्म हो जाएगा। सो क्या तुम वहां पर सर्वाइव कर पाओगे या फिर एक बहुत ही भयानक मौत मरोगे? वेल, आज मेरे साथ यहां पे कुछ ऐसा हुआ है और मेरा गोल है इस डेडली वर्ल्ड में सर्वाइव करना और आने वाले 7 दिन में एक मैसिव अंडरग्राउंड बंकर बनाना जहां पर मैं अपने साथ हमारे प्यारे विलेजर्स को भी बचाऊंगा। एंड यू गाइस, अब हमारे पास अब मौका आ चुका दुनिया को बचाने का और इस काम में मैं यहाँ पे पीछे नहीं हटने वाला। और वेट, यहाँ पे एक विलेज भी है। चलो सही, इस विलेज के बगल में मैं यहाँ पर अपना बंकर बना सकता हूँ। बिना टाइम वेस्ट करे गाइस मैं यहाँ पर काम में लग गया और जल्दी मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा सर्कल बना दिया जिसके अंदर गाइस हमारा बंकर यहाँ पे बनेगा। तो देखो गाइस, इस पूरे एरिया के अंदर हमारा अंडरग्राउंड बंकर बनेगा जिसके लिए मुझे एक बहुत ही बड़ा सा गड्ढा खोदना होगा। और ऐसा गाइस मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे हमारे बंकर के अंदर यहाँ पे बाहर से रेडिएशन ना आ पाए। गाइस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है खुदाई करते हुए और अब तक गाइस यहाँ पर कंप्लीट भी नहीं हुआ। अगर इस स्पीड से गाइस मैं यहाँ पे इस काम को करूंगा देन गाइस टाइम खत्म होने से पहले मैं इस बंकर को रेडी नहीं कर पाऊंगा। काश यहाँ पे कोई ऐसा तरीका रहा था जिससे मैं इस गड्ढे को यहाँ पे जल्दी खोद पाता। वेट गाइस, मेरे पास अभी टीएनटी है, मैंने चीज को पहले कभी देखा। अब गाइस मेरे पास टीएनटी आ चुके तो आप एक्सप्लोजन के लिए मुझे सबसे पहले इस एरिया को यहाँ पे खाली करना होगा एंड देन उसको यहाँ पे टीएनटी से भरना होगा। एंड चलो गाइस अब इसको यहाँ पे फोड़ते हैं। एंड ओके, वेट गाइस यहाँ पर काफी अच्छे से काम कर रहा है। शायद से गाइस मुझे यहाँ पे थोड़ा और टीएनटी की जरूरत पड़ेगी। एंड देन गाइस तब क्या मैंने यहाँ पे और भी ज्यादा टीएनटी फोड़े और वो अलग बात है कि इस काम को करते समय मैं यहाँ पे मर गया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे अपना सारा आइटम यहाँ पे मिल गया और साथ ही साथ गाइस हमारा गड्ढा यहाँ पे रेडी हो चुका था। एंड आई नो अभी यहाँ पे खिचड़ी जैसा लग रहा लेकिन एडिटिंग से गाइस मैंने इसको ऊपर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लिया। एंड गाइस जस्ट लुक एट दिस, कितना ज्यादा मैसिव है ये। आई थिंक बंकर का साइज इतना बड़ा यहाँ पे काफी रहेगा। एंड ऑब्वियसली गाइस हमारे बंकर का यहाँ पे प्रोटेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए इसके साइड की एरिया को मैं कवर करने वाला हूँ ऑब्सीडियन से। अबे भाई साहब, मरते मरते बचाओ मैं यहाँ पे। एंड बैम गाइस लेट्स गो, मैंने अपने बंकर को यहाँ पे पूरा ऑब्सीडियन से कवर कर दिया है और सही में दूर से देखने में बंकर पूरा ब्लैक होल की तरह दिख रहा है। फिलहाल गाइस अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ बंकर के अंदर काफी सारे फ्लोर जिसके अंदर गाइस हमारे विलेजर्स यहाँ पे सर्वाइव करेंगे। और गाइस यहाँ पे फ्लोर को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले बनाना होगा फ्लोर, जिसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पे बनाना होगा फ्लोर। तुम्हें समझ में आया? वेल छोड़, मुझे भी नहीं आया। ओके गाइस, मैंने यहाँ पे एक फ्लोर तो बना दिया जो यहाँ पे देखने कुछ ऐसा रहेगा और इसी सेम चीज को गाइस मुझे यहाँ पे बंकर के ऊपर तक बनाना है। सो या जब तक मैं चीज को यहाँ पे करता हूँ तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड टिंग टोंग टिंग, लेट्स गो गाइस, हमारे बंकर के अंदर यहाँ पे काफी सारे फ्लोर्स बन चुके हैं। तो बंकर के अंदर जाने का रास्ता गाइस यहाँ से है और इसके अंदर गाइस मैंने यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फ्लोर्स बना रखे जिनका यहाँ पे आगे जगह अलग अलग काम रहेगा। तो देखो गाइस अभी मैं यहाँ पर बना रहा हूँ पहला वाला फ्लोर जो कि गाइस यहाँ पे रहेगा विलेजर के काम करने का एरिया। और तुम्हें तो पता ही कि हमें बंकर में फूड की सप्लाई तो यहाँ पे चाहिए ही चाहिए, सो इसलिए अभी मैं यहाँ पर एक अंडरग्राउंड फार्म बना रहा हूँ। एंड ओके गाइस, फार्म यहाँ पर रेडी है, बस यहाँ पर थोड़ा कंपोस्टर की कमी पड़ रही है और अब तो गाइस फार्म हमारे यहाँ पे बिल्कुल चकाचक है। और सो क्यों ना मैं यहाँ पे बाकी के वर्क स्टेशन में लगा देता हूँ जिससे यहाँ पे बाकी के नए विलेजर काम कर लेंगे। और क्यों ना यहाँ पे थोड़ा मॉस कार्पेट लगा दिया जाए जिससे यहाँ पे घास वाली फीलिंग आ जाए, कम से कम यहाँ पे विलेजर्स को ऐसा फील नहीं होगा कि यहाँ पे एक बंकर के अंदर कैद है। एंड ओके गाइस, पहला फ्लोर हमारा यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। हमारे पास यहाँ पर घास है, वर्क स्टेशन है, फार्मर है और जिंदगी में और क्या ही चाहिए। फिलहाल गाइस जो हमारा यहाँ पे सेकंड फ्लोर रहेगा वो रहेगा यहाँ पे बेडरूम और इसको बनाने के लिए गाइस मेरे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा कूल डिजाइन है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा बना के इसके ऊपर बेड प्लेस कर दूं देन गाइस ये हमारा पे टू बेड वाला कंपार्टमेंट बन जाएगा और इसका फायदा ये है कि ये चीज हमारे बंकर के अंदर कम स्पेस खाएगी। चलो कम से कम आगे जाके बंकर के अंदर भसड़ तो नहीं मचेगी। और अब देखो मैंने इसको यहाँ पे कितना ज्यादा परफेक्ट बना दिया है। फिलहाल गाइस मैंने तुमको एक चीज तो बताई नहीं, जितने बेड अब तक मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये उन विलेजर्स के लिए हैं जो यहाँ पे सिंगल हैं। और अभी जो डबल बेड मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ वो ही यहाँ पे कपल्स के लिए। देखो कैसे यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, अब यहाँ पे कपल के लिए अलग जगह नहीं होगी तो यहाँ पे प्रजनन कैसे होगा? और अगर प्रजनन ही नहीं होगा तो हमारी सिविलाइजेशन यहाँ पे आगे कैसे बढ़ेगी? ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे इतने बेड तो कपल के लिए काफी रहेंगे। एंड व्हाई नॉट गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा पेड़ भी लगा देता हूँ जिससे यहाँ पे ताजी हवा भी आती रही। गाइस मैंने यहाँ पे रियलाइज नहीं करा यहाँ पे 6th डे आ चुका हमारी प्रिपरेशन का, यहाँ पर टाइम लिटरली इतना कम बचा है और ऊपर से मैंने इस बंकर को यहाँ पे अब तक रेडी नहीं करा। मुझे जल्दी से गाइस यहाँ पे काम में लगना होगा इससे पहले यहाँ पे टाइम निकल जाए। डे 6 में गाइस मैंने यहाँ पे बंकर के स्टोरेज रूम को बनाना चालू करा जिसमें गाइस मैंने यहाँ पे मेनली सप्लाईज, रिसोर्सेस और खाने पीने का सामान भरा हुआ है विलेजेस के लिए। अगर बाय चांस गाइस आगे जाके हमारे विलेजेस के ऊपर कोई भी क्राइसिस आता है तो उनको यहाँ पे घबराने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास यहाँ पे स्टोरेज रूम है। एंड गाइस अगर तुमने यहाँ पे अब तक वीडियो को लाइक नहीं करते तो जल्दी से यहाँ पे कर दो, काफी ज्यादा मेहनत और टाइम लगी यहाँ पे वीडियो को बनाने में। और बात करें गाइस इस वीडियो के लाइक एम की देन गाइस वो है यहाँ पे 20,000।
और आप देखो गाइस स्टोरेज रूम को यहाँ पे थोड़ा डेकोरेट करने के बाद यहाँ पे कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। इसके अंदर गाइस मैंने यहाँ पे इतनी सप्लाई रखी है कि यहाँ पे विलेजर का पूरा खानदान सर्वाइव कर सकता है इतनी चीजों से। और गाइस स्टार्टिंग से मैंने तुमको यहाँ पे एक चीज बताई नहीं और ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। तो देखो गाइस हमारे बंकर का जहाँ पे स्टोरेज वाला रूम है उसके नीचे एक सीक्रेट बेस है। और गाइस ये यहाँ पे कोई नॉर्मल सीक्रेट बेस नहीं है, अगर गलती से भी यहाँ पे कोई विलेजर इसके अंदर पर चला गया देन यहाँ पे बाहर नहीं आ सकता। और गाइस इसको मैंने यहाँ पे मिली इसलिए बनाया है जिससे अगर कोई भी विलेजर हमारे बंकर के अंदर इन्फेक्टेड या फिर मर गया देन उनको गाइस मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके के डेड सेल्स के अंदर यहाँ पे स्टोर कर दूंगा। आई नो गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैरी लग रहा सुनने में, लेकिन गाइस दूसरे विलेजर्स की हेल्थ और केयर के लिए यहाँ पर चीज को करना ही होगा। डे 7 में गाइस मैंने बंकर के टॉप वाले पार्ट में काम करना चालू करा और उसको बाहर की दुनिया से पूरा सील्ड पैक कर दिया जिससे बाहर से रेडिएशन ना आ पाए। और अभी गाइस मैं यहाँ पे बंकर के टॉप में एक बहुत ज्यादा यूनिक सा डिजाइन बना रहा हूँ जिससे मीटियोर से हमारे बंकर को प्रोटेक्शन मिले। और ये लो आयरन डोर मैंने यहाँ पे लगा दिया और अब गाइस हमारा बंकर यहाँ पे पूरी तरीके से रेडी है। बस यहाँ पर थोड़ा सैपलिंग लगा देता हूँ जिससे यहाँ पे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बन जाए। और दिन के खत्म होते होते गाइस मैं सारे विलेजेस को पकड़ के अपने बंकर के अंदर ले आया और धीरे धीरे करके मैंने सारे विलेजेस को यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया था। ओके गाइस सूरज यहाँ पे जल्दी डूबने वाला, मुझे फटाफट से अपने बंकर के अंदर जाना होगा। चलो डे 7 यहाँ पे खत्म हो चुका और अब हमारे यहाँ पे सिर्फ फाइनल मिशन है जो कि यहाँ पे सर्वाइव करने का। ओके गाइस अभी तो यहाँ पे सब कुछ मुझे नॉर्मल जैसा दिख रहा है, यहाँ पे बस बारिश हो रही है। वेट गाइस ये बारिश यहाँ पे ऐसे ग्रीन ग्रीन क्यों हो रही है, कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, ओ ओ, 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 ओ भाई एक सेकंड यहाँ पे क्या हुआ? वेट अ मिनट गाइस यहाँ पे एसिड रेन है भाई, मुझे यहाँ पे डैमेज कितना मिल रहा है यहाँ पे। एंड वेट यहाँ पे आसपास स्लाइम भी स्पॉन हो रहे हैं मेरी खास यहाँ पे एसिड रेन की वजह से हो रहा है। गाइस एक सेकंड वो सामने ऐसा अजीब सा क्या हो रहा है विलेज की तरफ? भैंस की भाई वहाँ पे वो टोर्नाडो है। ओ भाई चलो अच्छी बात है डायरेक्टली हमारे बंकर के ऊपर नहीं आया वरना भी सारे के सारे विलेजेस आसमान में उड़ जाते हैं। और फिर यहाँ पे थोड़ी देर बाद गाइस ऐसी ड्रेन यहाँ पे बंद हो जाती है और आसमान यहाँ पे क्लियर हो जाता है। देन मैं यहाँ पर बाहर जाता हूँ चेकआउट करने के लिए यहाँ पे आखिर मामला क्या है। अरे बाप रे बाप गाइस यहाँ पे विलेज को देखो जरा, इसके यहाँ पे क्या हाल हो चुका है। सही में कह रहा हूँ अगर अभी कोई विलेजर यहाँ पे रहता देन गाइस उसका यहाँ पे मरना तो पक्का था। लेकिन गाइस ये तो यहाँ पे कुछ भी नहीं क्योंकि असली मुसीबत यहाँ पे अब आने वाली है। ऐसी ड्रेन की वजह से गाइस अब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत ही यूनिक सा वायरस फैल चुका है जिसके कॉन्टेक्ट में आने के बाद गाइस थोड़ी देर बाद किसी भी क्रिएचर का यहाँ पे मरना तो पक्का है। और गाइस ये वायरस यहाँ पे बिल्कुल कोविड की तरह है, अगर एक भी विलेजर को यहाँ पे वायरस हो गया देन गाइस सभी विलेजर्स यहाँ पे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ओके गाइस मुझे तो यहाँ पे सारे विलेजर्स नॉर्मल से लग रहे हैं, यहाँ पे सारे से इन्फेक्टेड नहीं है। वेट नो गाइस यहाँ पे एक विलेजर इन्फेक्टेड है, देखो उससे यहाँ पे ब्लैक पार्ट का सकल रहे। अभी नहीं अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर ये बंदा थोड़ी और देर तक यहाँ पे रहा तो यहाँ पे सारे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अभी नहीं भाई वो फिशरमैन उसके यहाँ पे पास चलेगा और वो भी यहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुका है। आई एम सॉरी विलेजर्स, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे तुम दोनों को यहाँ पे मारना होगा बाकी विलेजर्स से सेफ्टी के लिए। ऑल राइट मेरे ख्याल से अब हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। अबे नहीं यू हैव कॉट द ब्लैक प्लेग, नो भाई ये बंदा पे इन्फेक्टेड है, इसे पे मारना होगा। नहीं नहीं भाई बाकी विलेजर्स, भाई नहीं गया भाई, अब सब गए यहाँ पे, सारे बंदे यहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुके हैं यहाँ तक कि मैं भी। गाइस मुझे जल्दी से यहाँ पे इस पूरे फ्लोर को सील्ड पैक करना होगा इससे पहले वायरस नीचे वाले फ्लोर तक भी पहुंच जाए। यार यहाँ पे तो सारे के सारे विलेजर्स को इन्फेक्शन पहुंच चुका है भाई, अब सबके सब मरेंगे यहाँ पे। ये लो यहाँ पे सिम्टम भी आ चुका है वायरस का, वीकनेस माइनिंग फटीग और हंगर। अरे बाप रे, अरे भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, धरती हिल रही है यहाँ पे। गाइस मैं यहाँ पे कसम से कह रहा हूँ मैंने यहाँ पे कोई भी सस्ते नशे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। ओ नो ओ नहीं भाई यहाँ पे विलेजर्स मरना चालू हो चुके हैं भाई, सबके सब गए यहाँ पे अब। और ये लो अब मुझे भी यहाँ पे डैमेज मिलना चालू हो चुका है, ऊपर से मिले पकड़ से कुछ हो भी नहीं रहा। गया गया मरा भाई मैं यहाँ पे, वेल ऑलराइट मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स हो चुका लेकिन भाई विलेजर्स नहीं यहाँ पे सारे के सारे मर चुके हैं। नहीं यार मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता उनको बचाने के लिए, भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी विलेजर्स। भाई ऑलमोस्ट सभी विलेजर्स यहाँ पे मर ही चुके हैं। और ये लो गाइस यहाँ पे इस बंकर का आखिरी विलेजर भी मरने वाला अब जल्दी। एंड एट द एंड गाइस इस बंकर को बनाने का कोई भी मतलब नहीं रहा, मैं अपने किसी भी विलेजर को यहाँ पे बचा नहीं पाया, सारे के सारे यहाँ पे मर चुके हैं। उस टाइम गाइस मैंने अपनी सारी उम्मीदें यहाँ पे छोड़ दी थी, लेकिन तभी गाइस मेरे साथ यहाँ पे ये होता है। वेट गाइस मेरे सामने दो विलेजर हैं, कहीं यहाँ पे इन्फेक्टेड है, लेट मी सी गाइस। वेट नहीं गाइस यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है भाई, अब इन दोनों को मुझे बचाना होगा किसी भी हाल में, अभी सारी जंग इन दोनों के लिए है सिर्फ। लिटरली गाइस मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, यहाँ पे बस दो सर्वाइवर बचे हमारे बंकर के अंदर। ओह यहाँ पे एक और विलेजर है, बट वेट लेट मी चेक गाइस यहाँ पर इन्फेक्टेड है विलेजर। भाई साहब आई एम रियली सॉरी लेकिन तुम्हारी कुर्बानी को हम कभी नहीं भूलेंगे। ये आयरन गोलम गाइस यहाँ पे इन्फेक्टेड है, मुझे इसको यहाँ पे मारना होगा। वेट गाइस इतनी अजीब सी आवाज को आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे धरती हिल रही है यहाँ पे। गाइस आवाज तो यहाँ पे सामने से आ रही है, वेट ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अबे नहीं गाइस यहाँ पे एक अर्थक्वेक आ रहा हमारे बंकर की तरफ। नहीं नहीं भाई अब तो यहाँ पे बंकर गया। भाई भाई एक सेकंड, भाई एक ब्लॉक से बचा हमारा बंकर यहाँ पे, ऑलमोस्ट हमारा खेल यहाँ पे खत्म होने वाला था। मैं जल्दी से गाइस इस पूरे पार्ट को यहाँ पे कवर कर देता हूँ इससे पहले यहाँ पे कुछ और हो जाए।
ऑलराइट, इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अबे ये यहाँ पे क्या है, सुनामी आ रही है। भाई साहब, हमारा आधा बंकर तो यहाँ पे पानी के अंदर चला गया है यार। बस बंकर के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अबे यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, पानी यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है। मेरा बंकर अंदर से सेफ है। ओ थैंक गॉड, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। भाई साहब, सामने विलेज देखो जरा, पूरा पानी के अंदर डूब चुका है वो। मेरी हालत अब इस समय बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। गैस वेट, ये इतनी अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है। वेट गैस, कहीं ऊपर से तो नहीं आ रही। नहीं भाई, नो वे भाई, यहाँ पे मीटर कर रहे हैं। भाई मुझे ऐसे को लग रहा है कि ये इस दुनिया का एंड है। नो, होली शिट, नो वे। भाई गया सब कुछ, यहाँ पर कुछ नहीं बचा यहाँ पे। नहीं भाई, शिट, गया भाई, यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। मीटर ने यहाँ पे क्या हालत कर दी हमारी। मेरे बंकर को देखो जरा, यहाँ पे क्या हो चुका है इसका हाल। यहाँ पे आधा बंकर तो यहाँ पे गया। भाई ये वाला फ्लोर तो यहाँ पे मीटर ने पूरी तरीके से ले लिया। भाई मीटर यहाँ पे सब कुछ लेके चला गया, भाई सब गया यहाँ पे। यार यहाँ पे हालत देखो जरा क्या हो चुकी है बंकर की। आधा बंकर तो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म है भाई, चारों तरफ से यहाँ पे मीटर आए। वेट क्या, वापस सुनामी। और भाई साहब ये पहले वाले से कितना ज्यादा बड़ा है। गया भाई सब गया, आधा वर्ल्ड तो यहाँ पे पानी के अंदर आ चुका है। और बंकर भाई ये भी पानी के अंदर गया। यहाँ पे ऊपर से देखने में तो पूरा पानी यहाँ पे ओशन की तरह लग रहा है। अब पूरा विलेज भी चला गया गाइस यहाँ पे पानी के अंदर। अबे अबे यहाँ पे क्या हो रहा है। वेट वेट वेट, नो नो वेट, एसिड रेन। भाई क्या अचानक से आया यहाँ पे, ये डरा दिया इसने। मेरे ख्याल से गाइस अब मुझे यहाँ पे वेट करना होगा एसिड रेन के खत्म होने का। लेकिन गाइस यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एसिड रेन यहाँ पे बिना रुके काफी टाइम तक चलती रहती है। इसी बीच गाइस मुझे अपने विलेजर्स के साथ यहाँ पे बंकर के अंदर आइसोलेशन में जाना पड़ता है। और बहुत ही लंबे समय तक यहाँ पे वेट करने के बाद और अपने बंकर के ऑलमोस्ट सभी रिसोर्सेस को यूज करने के बाद फाइनली गाइस यहाँ पे एसिड रेन खत्म हो जाती है और यहाँ पे चमचमाता सूरज निकल आता है। इतनी सारी कठिनाई और मुश्किल से गुजरने के बाद फाइनली हमारे विलेजर्स यहाँ पे सर्वाइव कर चुके हैं। एंड नाउ गाइस अब इस नई दुनिया पर एक न्यू सिविलाइजेशन की शुरुआत कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आपकी वीडियो यहाँ पे पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ आप कॉमेंट फायर वाला इमोजी स्पैम कर देना। मैं आपके लिए आगे और भी ऐसी वीडियोस यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। सो यार, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।